दोस्तों, हमारे भारतीय स्टेट बैंक के GSP के माध्यम से माइनर अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के जब अकाउंट ओपन करते थे तो उसके अंदर दोस्तों पैन कार्ड है, जो कि मैंडेटरी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल पैन कार्ड के जो सर्वर है वो काम नहीं कर रहा ठीक ढंग से, और वहाँ पर पैन कार्ड है जो कि वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है बैंक ने एक नया ऑप्शन आपको दे दिया गया है। तो अब आप विदाउट पैन कार्ड ही आप छोटे बच्चों के अकाउंट है जो कि ओपन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर पैन कार्ड के जगह आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा, साथ ही दोस्तों कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं वो भी आपको फिल करनी होगी। तो ये तमाम जानकारी है जो कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के लाइव प्रोसेस के अंदर देख लेते हैं कि विदाउट पैन कार्ड आप छोटे बच्चों के अकाउंट है जो कि किस तरीके से ओपन कर सक पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं लाइव प्रोसेस के अंदर कि विदाउट पैन कार्ड आप बच्चों के अकाउंट है जो कि कैसे ओपन कर पाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर्म के ऑप्शन के अंदर, 60 नंबर फॉर्म का और पैन कार्ड दोनों का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म नंबर 60 अगर सेलेक्ट करते हैं माइनर अकाउंट में, तो आपको यहाँ पर जो ATM वाला कॉलम है वहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो कि एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, फिर आपको डेट ऑफ इशू डालनी है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद इशूड अथॉरिटी यानी कि किस अथॉरिटी ने जारी किया हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट वो डालना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेरेंट्स गार्जियंस की KYC ID भी आपको डालनी है जिसमें आपको नाम डालना है गार्जियन का, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोस्तों या पेरेंट्स गार्जियन का रिलेशनशिप उसके साथ क्या है बच्चे के साथ वो आपको ले लेना है, उसके बाद पेरेंट्स गार्जियंस की ID टाइप के अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, उसमें से आप आधार कार्ड वगैरह कुछ भी ले सकते हैं जो ID के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अगेनिंग। तो यहाँ से अगर आप आधार कार्ड का सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर पेरेंट्स गार्जियन की ID नंबर आपको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद है जो कि आगे आप प्रोसेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्म नंबर 60 का उपयोग करके बच्चों के विदाउट पैन कार्ड अकाउंट है जो कि ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।